बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल जीनियस मनी पर। आज हम आपके लिए एक पुनर्जन्म की ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस कहानी की हर लाइन सुनने के बाद यह कहानी आपके लिए और भी रोचक होती जाएगी। हमारे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की बड़ी ही मान्यता है। कई बार पुनर्जन्म के मामले आते रहे हैं, लेकिन हर बार वैज्ञानिकों ने इसे अंधविश्वास बताकर नकार दिया। लेकिन आज से 39 साल पहले हमारे हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना घटित हुई, एक ऐसी पुनर्जन्म की कहानी जिसने विज्ञान और वैज्ञानिकों का नजरिया ही बदल दिया। इस घटना को देखने परखने इस पर कई सालों तक रिसर्च करने के बाद और सभी फैक्ट्स चेक करने के बाद अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के वैज्ञानिकों ने भी माना कि यह घटना पुनर्जन्म की है, या फिर एक व्यक्ति के शरीर में दूसरे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के समाहित होने की है। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है किसी एक व्यक्ति के शरीर पर दूसरे व्यक्ति की आत्मा का समावेश। इन वैज्ञानिकों को ऐसे कोई भी तथ्य नहीं मिले जिससे वो इस घटना को मानने से इनकार करे, और यह स्वीकार करना पड़ा कि ऐसा भी कुछ होता है। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से, वहाँ के शरीफपुरा गांव की यह कहानी है। कहानी के मुख्य किरदार यानी सुमित्रा का जन्म होता है 1968 में। सुमित्रा ने महज 11 साल की उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया था, और सुमित्रा के पिता घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए अक्सर बाहर रहा करते थे, इसलिए सुमित्रा उदास और घर पर अकेली ही रहती थी। उसके बाद सुमित्रा का पालन पोषण सुमित्रा के परिवार द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा किया गया, और महज 13 साल की उम्र में सुमित्रा की शादी पास के गांव के एक जगदीश नाम के लड़के से हुई। जगदीश सुमित्रा का बेहद ख्याल रखा करता था और सुमित्रा से बेहद प्यार करता था। जगदीश भी पैसा कमाने के लिए गांव से बाहर रहता था, इसलिए सुमित्रा यहां पर भी अकेली रहती थी, और सुमित्रा के सास ससुर भी सुमित्रा के साथ रहते थे। सुमित्रा की शादी करीब 1981 यानी 1981 में हुई थी, और उसके 3 साल बाद दिसंबर 1984 में सुमित्रा के घर खुशियों की सौगात लेकर एक बेटे ने जन्म लिया। अब सुमित्रा बेहद ही खुश थी। वह पूरे दिन अपने बेटे को सीने से लगाकर उसके पालन पोषण में बिजी रहा करती थी। भगवान ने तो जैसे उसे नई दुनिया ही दे दी हो। सुमित्रा गांव के एक कुएं से घर के लिए पानी लाया करती थी, और कई दफा सुमित्रा अपने बच्चे को भी अपने साथ लेकर जाती। तो एक बार की बात है, सुमित्रा पानी लेने के लिए कुएं पर गई। जब वहां से पानी भरकर वह वापस लौट रही थी, तो उसके एक हाथ में पानी का घड़ा था और एक हाथ में उसने अपने बच्चे को पकड़ रखा था। तभी लोगों को एक चीख सुनाई देती है। लोग जब घूमकर देखते हैं तो लोगों को वहां सुमित्रा खड़ी दिखाई देती है। सुमित्रा के एक हाथ में उसका बच्चा था और दूसरा हाथ आसमान की तरफ, पानी का घड़ा जमीन पर गिरा हुआ। सुमित्रा की आंखें गोल गोल घूम रही थी, फड़फड़ा रही थी। उसके दांत जोर जोर से किटकिटा रहे थे, दांतों से जोर जोर से आवाज आ रही थी, और सुमित्रा जोर जोर से सांसें ले रही थी। लोगों ने जब सुमित्रा को इस रूप में देखा तो लोग डर गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। सुमित्रा एक मूर्ति की तरह खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे सुमित्रा के शरीर में प्राण बचे ही ना हो। तो उसने बच्चे को हाथ से टाइट पकड़ रखा था, इसलिए बच्चा भी रोने लग गया। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले थोड़ी देर में सुमित्रा नॉर्मल हो जाती है, और सुमित्रा रोते हुए अपने बच्चे को देखकर उसे चुप करवाती है। और जब सुमित्रा आसपास देखती है कि सभी लोग उसी की तरफ निगाह करके खड़े थे, तो सुमित्रा को लगा कुछ तो हुआ है। लेकिन पास खड़े लोग उसे कुछ भी बताने से डर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि शायद कहीं यह घटना कोई भूत प्रेत या भूत प्रेत का साया तो नहीं। सुमित्रा वहां से अपने बच्चे को और पानी का घड़ा लेकर घर चली जाती। सुमित्रा इस बात से अनजान थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। लेकिन 2-4 दिन बाद वापस जब सुमित्रा अपने घर पर थी, तो सुमित्रा की सास को एक चीख सुनाई देती है। जब सास जाकर देखती है तो सुमित्रा उसी रूप में अपने घर में खड़ी थी। वही सुमित्रा का एक हाथ आसमान की तरफ, आंखें गोल गोल घूम रही थी, दांत जोर जोर से किटकिटा रहे थे, और सास सुमित्रा की जोर जोर से चल रही थी। जब सास ने ऐसे देखा तो सास डर गई। तभी उसने सुमित्रा के ससुर को भी आवाज दी। सुमित्रा के सास ससुर दोनों वहां पहुंच जाते हैं, दोनों ही देखते हैं और दोनों ही बेहद डर जाते हैं। सुमित्रा थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाती है, लेकिन सुमित्रा के सास ससुर कुछ भी उसे बता नहीं पाते।
उसके बाद सुमित्रा के सास ससुर सुमित्रा के पति यानी कि जगदीश को बुलावा भेजते हैं। एक दो दिन में जगदीश भी गांव आ जाता है और जगदीश को पूरी कहानी बताई जाती है। अभी तक सुमित्रा इस बात से अनजान थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि ये जो कुछ भी वाकया होता सुमित्रा को कुछ भी याद नहीं रहता। अब जगदीश गांव में एक दो दिन रुकता है, उसके बाद सुमित्रा को वापस वही दौरा पड़ता है। पहली बार जगदीश अपनी पत्नी को इस रूप में देखता है। थोड़ी देर बाद वापस सुमित्रा नॉर्मल हो जाती है। तब जगदीश उसे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तब सुमित्रा कुछ भी नहीं बता पाती। सुमित्रा कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं। उसके बाद सुमित्रा को ये जगदीश पूरा वाक्य सुनाता है। इसके बाद सुमित्रा बेहद ही डर जाती है, क्योंकि वह अपने बच्चे के पास भी अब नहीं जा सकती थी। उसे एक डर लगा रहता है कि कहीं वह बच्चे के पास अकेली रहे और उसे इस तरह का दौरा पड़े तो कहीं वो अपने बच्चे को ही नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए अक्सर वह अगर उसका पति या सास ससुर पास में होते तभी वह अपने बच्चे के पास जाती, वरना वह जब भी बच्चा अकेला रहता तो बच्चे के पास नहीं जाती थी। धीरे धीरे समय निकलने लगता है। अब घरवाले भी नॉर्मल हो चुके थे, क्योंकि सुमित्रा को यह दौरा पड़ता था, लेकिन सुमित्रा किसी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती थी, न किसी और को और न ही खुद को। उसके बाद 16 जुलाई 1985 को फिर से सुमित्रा को दौरा पड़ता है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर और सुनकर सुमित्रा का पति जगदीश और उसके सास ससुर हैरान रह गए। पहली बार सुमित्रा इस रूप में कुछ शब्द कहती है जिसे सुनकर सब लोगों के होश उड़ गए। सुमित्रा कहती है आज से 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। जब सुमित्रा नॉर्मल होती है तो सुमित्रा का पति जगदीश उससे पूछता है कि आज जब ये तुझे दौरा पड़ा तो तुमने क्या कहा था, क्या कुछ याद है। तो सुमित्रा उसे मना कर देती है। फिर जगदीश सुमित्रा को पूरी कहानी बताता है। 16 तारीख के बाद 17-18 तारीख को सुमित्रा नॉर्मल होती है और आज तारीख आ चुकी थी 19 जुलाई 1985। 19 जुलाई 1985 यह वही दिन था जिसकी भविष्यवाणी सुमित्रा ने 16 जुलाई को की थी। उस दिन सुमित्रा और उसके परिवार वाले तय करते हैं कि सुमित्रा आज ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे उसके एक्सीडेंटली डेथ होने का खतरा रहे। न सुमित्रा कहीं ऊंचाई पर चढ़ेगी जिससे गिर के मरने का खतरा रहे, न ही सुमित्रा चूल्हे पर कुछ कार्य करेगी जिसे कहीं जलने का भी खतरा रहे। अब आखिरकार सुमित्रा और उसके घर वाले तय करते हैं सुमित्रा पूरे दिन अपने रूम में बैठी रहेगी। सुमित्रा 19 जुलाई को पूरे दिन अपने रूम में बैठी रहती है। पूरा दिन निकल जाता है और शाम का वक्त आता है। सुमित्रा भी अंदर बैठे बैठे बोर हो चुकी थी और सभी घर वाले हल्का महसूस कर रहे थे, क्योंकि 19 तारीख का दिन लगभग निकल चुका था। शाम को सुमित्रा अपने घर के बाहर दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है। जब सुमित्रा दरवाजे पर खड़ी थी तभी उसकी एक सहेली वहां से गुजर रही होती है और सुमित्रा उससे बातें करने लग जाती है। थोड़ी देर में अचानक से बातें करते करते सुमित्रा के दोनों हाथ हवा में आसमान की तरफ हो जाते हैं। सुमित्रा पास ही की दीवार पर टिक जाती है और सुमित्रा बोलना बंद कर देती है। सुमित्रा के हाथ हवा में जरूर थे, लेकिन उसके शरीर ने हलचल करना बंद कर दिया था। उसके बाद जल्दी वैद्य को बुलाया जाता है। वैद्य चेक करता है और वैद्य सुमित्रा को मृत घोषित कर देता है। 100 गुलाब के बीच सुमित्रा के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। वह सुहागन थी, इसलिए सुहागन के रूप में उसका श्रृंगार किया जा रहा था। डरे सहमे में लोग आनंद फानंद में अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी कर चुके थे, लेकिन सुमित्रा की मौत के करीब 45 मिनट बाद आंगन में जहां सुमित्रा की लाश रखी हुई थी वहां से औरतें चिल्लाकर भागने लगती है। किसी ने कहा सुमित्रा ने आंखें खोली है, तो किसी ने कहा सुमित्रा दांत की खिटा रही है। वैद्य जी को दोबारा बुलाया जाता है। तब वैद्य जी नब्ज चेक कर कहते हैं कि सुमित्रा जीवित हो गई, यह कोई भगवान का ही चमत्कार है, अब मातम मनाना बंद करो। घर में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। सुमित्रा का पति जो इतनी देर से सुमित्रा की मौत के शौक में रो रहा था, अब उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। जगदीश सुमित्रा को आवाज देते हुए बदहवास होकर अंदर जाता है और अपनी पत्नी सुमित्रा को गले लगा लेता है, लेकिन सुमित्रा उसे जोर से धक्का मार के दूर कर देती है और कहती है तुम कौन हो, तुम्हें परई औरत को छूते हुए शर्म नहीं आती। यह सुनकर सभी लोग हैरान थे। सुमित्रा अपने पति सास ससुर और साथ ही अपने बेटे को भी पहचानने से इनकार कर देती है। वैजी चेक करने के बाद कहते हैं यह मर के जीवित हुई है, तो हो सकता है कुछ समय बाद नॉर्मल हो जाए। और लोग ये भी सोचने लगते हैं कि शायद सुमित्रा की याददाश्त चली गई हो, लेकिन सच कुछ और था। एक माँ के लिए अपने बेटे से बढ़कर कौन हो सकता है, लेकिन सुमित्रा अपने बेटे को भी पहचानने से इनकार कर देती है। सुमित्रा के बिहेवियर में भी बहुत चेंजेज आ रखे थे।
जो सुमित्रा अपना नाम तक हिंदी में लिखना नहीं जानती थी, जिसे हिंदी की भी बेहद कम नॉलेज थी, वह बात करते करते अंग्रेजी के वर्ड यूज करने लगी। सुमित्रा कहती है, यह मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो कहीं दूसरी जगह पर है। सुमित्रा एक लेटर लिखती है और अपने पति को देती है और पति से कहती है, पोस्ट ऑफिस में इस पते पर इस लेटर को भिजवा दो। सभी लोग हैरान थे कि न के बराबर पढ़ी लिखी सुमित्रा अंग्रेजी में लेटर कैसे लिख सकती है। 19 जुलाई को सुमित्रा की मौत के बाद करीब 2-3 महीने तक यूं ही लेटर भेजने का सिलसिला चलता रहा। अब अक्टूबर 1985 की तारीख आती है। उस दिन राम सिंह त्रिपाठी नाम का एक शख्स सुमित्रा के घर के बाहर आके दरवाजा खटखटाता है। जब सुमित्रा का पति जाकर दरवाजे को खोलता है और पूछता है, तुम कौन हो? यह शख्स सुमित्रा के पति जगदीश से कहता है, मेरा नाम राम सिंह त्रिपाठी है, मैं इटावा से आया हूँ और मेरा गांव का नाम डिब्यापुर है, मैं एक कॉलेज लेक्चरर हूँ। जब राम सिंह त्रिपाठी से जगदीश ने यहाँ आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे 2-3 महीने से कुछ लेटर्स मिल रहे हैं और उन लेटर्स पर यहीं का एड्रेस लिखा है। सुमित्रा को भी अंदर उस शख्स की आवाज सुनाई दे रही थी। सुमित्रा दौड़कर घर के बाहर आती है और उस शख्स को गले लगा लेती है। अब वह शख्स राम सिंह त्रिपाठी सुमित्रा को धक्का देकर अपने से दूर करते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो? तब पहली बार सुमित्रा बोलती है कि आपको लेटर्स मैंने ही भेजे हैं, मैं आपकी बेटी हूँ। तब राम सिंह त्रिपाठी कहते हैं, मेरे सुमित्रा नाम की कोई बेटी नहीं है। तब सुमित्रा कहती है, पापा मेरा नाम सुमित्रा नहीं, मेरा नाम शिवा है, मैं आप ही की बेटी शिवा त्रिपाठी हूँ, मैंने आपको लेटर्स भेजे, क्या आप मेरी हैंडराइटिंग नहीं पहचानते? सुमित्रा त्रिपाठी की हैंडराइटिंग राम सिंह त्रिपाठी की बेटी शिवा से हूबहू मिलती थी। राम सिंह त्रिपाठी एक एल्बम साथ में लेकर आए थे और वो एल्बम निकालकर सुमित्रा को कुछ फोटोज दिखाते हैं और सुमित्रा को पहचानने के लिए कहते हैं। तब सुमित्रा फोटोज पहचानने लगती है और कहती है, यह फोटोज आपकी है, आप मेरे पापा हो, यह फोटोज मेरे मम्मी की है, यह भाई की, यही बहन की, और वह सबकी फोटो को सही सही पहचान लेती है। फिर एक शख्स की फोटो आती है सामने, तब सुमित्रा कहती है, यह छेदीलाल है मेरा पति, जिससे मेरी शादी हो रखी है। वह अपने सास ससुर को भी पहचान लेती है। तभी उसकी अंगुली एक फोटो पर आकर रुकती है। इस औरत को देखकर सुमित्रा घबरा जाती है। जब राम सिंह त्रिपाठी उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुमने सबको पहचान लिया तो इसे क्यों नहीं पहचान रही हो? तब सुमित्रा, या यूं कहें शिवा, कहती है कि यह मेरी ननंद है, इसी ने मेरे सर पर पत्थर से वार करके मेरी हत्या की है। जैसे ही शिवा ने यह सब कुछ बताया तो राम सिंह त्रिपाठी अपनी बेटी को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगते हैं। जगदीश उसके माता पिता को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मामला क्या है। तब राम सिंह त्रिपाठी अपनी बेटी शिवा के बारे में बताते हैं और कहते हैं, 24 अक्टूबर 1962 यानी 1962 को मेरे घर मेरी बेटी शिवा का जन्म हुआ, डिब्यापुर इटावा में, जो यहाँ यानी कि शरीफपुरा से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर है। राम सिंह त्रिपाठी कॉलेज लेक्चरर थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटी को भी ग्रेजुएट तक पढ़ाया और करीब 18 साल की जब उनकी बच्ची हुई तो उन्होंने 1980 में अपनी बेटी शिवा की शादी पास ही के गांव के छेदीलाल नामक व्यक्ति से कर दी। शादी के कुछ साल बाद शिवा के 2 बच्चे हुए जिनका नाम है रिंकू और टिंकू। लेकिन शिवा के ससुराल वाले, एक तो शिवा उनसे भी बेहद पढ़ी लिखी थी तो उनके मन में इच्छा भाव था, और दूसरा राम सिंह त्रिपाठी कॉलेज लेक्चरर थे इसलिए वो दहेज के लिए भी शिवा को प्रताड़ित करते थे। उसके बाद अचानक से एक दिन शिवा का एक रिश्तेदार राम सिंह त्रिपाठी को खबर देता है कि शिवा ने सुसाइड कर लिया है। राम सिंह त्रिपाठी के पहुंचने से पहले ही शिवा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। राम सिंह त्रिपाठी के पूछने पर शिवा के ससुराल वाले कहते हैं, घर में किसी झगड़े के कारण शिवा गुस्सा होकर यहाँ से चली गई और ट्रेन के आगे आकर सुसाइड कर लिया, जबकि शिवा के शरीर पर ट्रेन से एक्सीडेंट होने जैसे कोई निशान भी नहीं मिले थे। उसके बाद राम सिंह त्रिपाठी पुलिस में कंप्लेन करते हैं, लेकिन सबूत ना होने के कारण शिवा के पति और शिवा का ससुर जेल से बरी हो जाता है। थोड़े टाइम बाद शिवा की ननंद और सास को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्हें भी सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाता है। जो सुमित्रा अपनी ग्रामीण भाषा के अलावा हिंदी भी आसानी से नहीं बोल पाती थी, वह शिवा के रूप में अपने पिता से इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर रही थी। उसके बाद शिवा कहती है, पापा मैं तो आपके साथ चलूंगी अपने घर। जगदीश व उसके परिवार वाले भी हाँ कर देते हैं। उसके बाद शिवा अपने पिता के घर चली जाती है। अपने पिता के घर जाने के बाद शिवा अपने पिछले जन्म के दोनों बेटों रिंकू और टिंकू को अपना लेती है। उसका पति छेदीलाल भी जीवित था, लेकिन छेदीलाल ने भी उसकी हत्या करने में अपनी भूमिका निभाई थी, हत्यारों का साथ दिया था।
इसलिए शिवा अपने पति को अपनाने से इनकार कर देती है। शिवा अपने कातिल छेदीलाल को न अपना कर अपने पिता से कहती है, जगदीश सुमित्रा से बेहद प्यार करता था और सुमित्रा का बेहद ख्याल रखा करता था, इसलिए जगदीश भले ही गरीब क्यों न हो वह मेरा भी बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। और उसके बाद शिवा जगदीश के घर शरीफपुरा चली जाती है और सुमित्रा के बेटे को भी अपना लेती है। देवी शक्ति ने एक बार फिर से जगदीश और राम सिंह त्रिपाठी के परिवार का दामन खुशियों से भर दिया। उसके बाद शिवा ने करीब 13 वर्ष जगदीश और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी बिताए और 13 साल बाद किसी बीमारी के कारण शिवा की मृत्यु हो गई। और शिवा की मौत के भी करीब 2 साल बाद शिवा के पति यानी जगदीश की भी मौत हो गई, लेकिन शिवा यानी सुमित्रा और जगदीश के बच्चे आज भी जीवित है और ये कहानी आज भी जीवित है। जब ये कहानी मीडिया में अखबारों में छपी तब दूर दूर से लोग सुमित्रा यानी शिवा से मिलने उसके गांव पहुंचे। पुनर्जन्म के सब्जेक्ट पर काम करने वाली सभी संस्थाएं सक्रिय हो गई और उन्होंने हर एक एंगल से इस केस की जांच पड़ताल की। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के स्कूल मेडिसिन के पुनर्जन्म के शोधकर्ता यान स्टीवेंसन और बेंगलुर की सतवंत पसरीचा ने इसकी सच्चाई जानकर इस केस को बेहद ही करीब से हर एंगल से देखा और उसके बाद आखिरकार स्टीवेंसन और पसरीचा की टीम ने यह प्रमाणित किया कि यह वाकई में एक शरीर पर दूसरे व्यक्तित्व के कब्जे का मामला है। इसे पुनर्जन्म या फिर यूं भी कह सकते हैं एक शरीर पर किसी दूसरे व्यक्ति की आत्मा का कब्जा। सतवंत पसरीचा ने इस केस पर करीब 2 साल तक जांच पड़ताल की और उसके बाद इन्होंने भी यह माना कि यह शिवा द्वारा शिवा के आत्मा द्वारा सुमित्रा के शरीर पर कब्जे का मामला है या फिर इसे पुनर्जन्म भी नाम दिया जा सकता है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी ही सच्ची घटनाओं के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भी संसार में घटने वाली उन घटनाओं के बारे में जान सकें जिनसे आप लोग अनजान हो। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ।